जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए कहा कि भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है कि देश के 5 राज्य में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में कोरोना के केस में बढ़ोतरी हुई है, जिसको देखते हुए शासन ने 10 दिन पहले अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाली ट्रेनों तथा फ्लाइट के यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनपद में कोरोना वायरस की बढ़ोतरी नहीं हुई है, जनपद में प्रतिदिन 3,000 लोगों की जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि होली का त्यौहार को देखते हुए सभी लोगों से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क तथा हाथ को समय समय पर धुलते रहें, जिससे कि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार से एवं भारत सरकार से हम लोग का अलर्ट मैसेज आई है, आप लोग से शेयर करने चाहता हूँ। खासतौर पर 5 राज्य में ये केस बहुत तेजी से बढ़ रही है, महाराष्ट्र में है, केरल में है और मध्य प्रदेश में कुछ पोर्शन में है और पंजाब में है और ये दिल्ली में भी है। इसी जगह से केसेस पहले से 2-2 गुना पर डे बढ़ती जा रही है, डबलिंग होती जा रही है। उसी का अलर्ट हम लोग का तो 10 दिन पहले ही शासन ने जारी किया है। उसी दिशा पे जो खासतौर पे 5 ये जो राज्य में आने वाले को अलग जांच हो रही है, 4 ट्रेनें रोज़ाना मुंबई से आती है और 4 फ्लाइटें मुंबई से यहाँ रोज़ आती है, उसी का अलग पैसेंजर का सेलेक्ट करके हम चेकिंग करवा रहे हैं। मैं आपके जरिए से मैं अपील कराना चाहता हूँ, देखिए अभी भी कोरोना के बीच में हैं, हमें नहीं पता कौन सी नया स्ट्रेन आएगा क्या है। वाकई में गोरखपुर नियंत्रण में है, पिछले 1 महीने में कोई मौत नहीं हुआ है, केस भी 1-2 ना के बराबर रिपोर्ट होता है। हम रोज़ाना 3,000 का ऊपर टेस्ट तो करते हैं, बट ऐसे नहीं है तो फिर हम कोरोना का बिल्कुल ख़त्म करा चुके हैं। अभी भी वैक्सीनेशन बाकी है, आपके बारी आने में ज़रूर जाके लगा दीजिए। इसी महीने हमें 1.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन लगाना है और तब तक ये कोरोना पूरा मतलब भारत से नहीं जाएगा, तब तक हमें मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना पड़ेगा, हाथ साफ कराना पड़ेगा। होली का त्यौहार भी है तो एक चुनौती भी है, ये निश्चित रूप से चुनौती है हमारे लिए, ताकि पिछले बार भी तब से जो बाहर के लेबर आते हैं उस समय में साथ साथ बहुत सारे बीमारी भी मतलब कोरोना की बीमारी भी साथ ही आ गई थी, केसेस नंबर बढ़ गया था। इस बार भी तो उम्मीद कर रहे हैं तो करीब तो 2-3 लाख लोग तो ज़रूर आएंगे, उसी हिसाब से प्लानिंग भी कर रहे हैं ताकि प्रधानी चुनाव भी साथ साथ हमारा शुरू होने वाले हैं, इसलिए निश्चित रूप से जो हर जगह भीड़ होने संभव है। इसलिए पीक जो कोरोना के समय में हमारा व्यवस्था कैसी थी वैसे ही हम रिपीट करेंगे, उतने मल्टीपल स्टीम बढ़ा रहे हैं, उतने जांचें शुरू कर रहे हैं, वो सारे कर रहे हैं, बट ये 3 चीज़ हमेशा याद रखें, तब तक का कोरोना कंप्लीट ना हो जाए तब तक का मास्क कतई नहीं हटाना है, बिना मास्क घर से बाहर नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हाथ बार बार साफ करें।